हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खटमल यानी जो बैड बग्स होते हैं उनके काटने से होने वाली बीमारियों के संबंध में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, भारत में कई घरों में कॉकरोच के अलावा खटमल होना भी एक आम समस्या है। कॉकरोच और खटमल दोनों ही गंदगी में होने वाले जीव माने जाते हैं। खटमल मुख्य रूप से आपके बिस्तर में होते हैं। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं वह आपका खून चूसना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये बिस्तर के किनारों और दराजों से निकलते हैं और फिर जो है आपको परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि खटमल जो है वह पैदा क्यों होते हैं, उनके कारण क्या हैं और खटमल के काटने से होने वाली बीमारियाँ, खटमल कैसे संक्रमण फैलाते हैं और खटमल से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके कारण जान लेते हैं। खटमल बेहद ही छोटा और चपटा कीट होता है जो खून पीता है। आपके घर में मौजूद केवल एक मादा खटमल ही तेजी से अन्य खटमल की संख्या को बढ़ा देता है। यदि मादा खटमल की बात करें तो एक दिन में 2 से 5 अंडे वह दे सकती है और अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 500 अंडे देती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि खटमल बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत ही कम समय में ये बहुत सैकड़ों की संख्या में मौजूद हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो खटमल जो खून पीता है और खून से ही वह पीकर ही वह जीवित रहता है, कम से कम 14 से 15 दिन में वह एक बार खून पीने की उसको ज़रूरत होती है। तो एक बार खून पीकर वह लगभग एक महीने तक आसानी से जीवित रह सकता है। दोस्तों, वैसे खटमल अफ्रीका और मध्य एशिया जो विकासशील देश हैं उनमें शुरू में पैदा हुए थे, परंतु अब धीरे धीरे ये सभी देशों में फैल गए हैं। व्यक्तियों की यात्रा के साथ यह खटमल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दोस्तों, व्यक्तियों के शरीर और कपड़ों से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। साथ ही यह सामान, गद्दे और फर्नीचर के साथ में भी दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसा पता करें कि आपके घर में खटमल है। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठने के बाद खुजली लगने लगे तो यह आपके घर और बिस्तर में खटमल होने के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आपके बिस्तर की चादर और तकिए में खून के धब्बे अगर छोटे छोटे दिखाई दें या फिर चादर, गद्दे, बिस्तर पर रखे जाने वाले अन्य कपड़ों और दीवारों पर खटमल के मल मूत्र के गहरे और जंग लगने के निशान दिखाई देते हैं या फिर खटमल के छिपने के जगहों पर मल मूत्र, अंडे के खोल और त्वचा के खोल जैसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं या फिर खटमल की गंध ग्रंथियों से घर में तेज़ गंध फैलती है, यानी अलग से स्मेल आ जाएगी। तो ये अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है या फिर महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि आपके घर में बिस्तर में या फर्नीचर और सामान में खटमल मौजूद हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि खटमल से होने वाली बीमारियां क्या हैं। दोस्तों, पहली है एलर्जिक रिएक्शन। वैसे तो खटमल बहुत सारे लोगों को काट जाता है, कुछ में तो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं पर कुछ लोगों में हल्के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। खटमल के काटने से जो आपकी त्वचा है उसमें जलन हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा खुजली भी महसूस हो सकती है। खटमल जहाँ पर काटता है उस स्किन पर आपको खुजली महसूस होती है। कई बार हल्की खुजली होती है और कई बार तेज़ खुजली होने लग जाती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि खुजली होती है और बार बार वहीं पर खटमल काट लेता है तो वहां घाव बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर घाव का हम समय पर इलाज नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वह इन्फेक्शन में बदल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा लालिमा और जो फफोले हैं वह भी स्किन पर हो जाते हैं। कई बार खटमल बार बार काटता है, एक ही जगह पर काटता है तो वहाँ पर स्किन जो है लाल हो जाती है, लालिमा आ जाती है और फफोला बन जाता है। तो दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है जो है अनिद्रा की। जब खटमल काटता है तो आदमी को डर लगने लग जाता है, वहाँ सोने से वह डरने लग जाता है और जब खटमल काटने से वह परेशान होता है तो प्रॉपर नींद नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में अनिद्रा की समस्या हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से जो ये रोग्स हैं, एलर्जी है, अनिद्रा है और शरीर पर चकते के निशान हैं, फफोले हैं, इन्फेक्शन है, इस तरह की ये समस्याएँ खटमल के काटने से देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि खटमल से होने वाले रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि खटमल जो है आपके सामान में, आपके घर में जो बिस्तर हैं उनमें मौजूद होता है। तो दोस्तों, अपने बिस्तर, चादर, पर्दे और कपड़ों को गर्म पानी से धोना चाहिए और तेज़ धूप में उसको सुखा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो खटमल है वह मर जाएंगे और बिस्तर में मौजूद नहीं रहेंगे।
दोस्तों किसी अच्छे ब्रश की सहायता से गद्दे को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि खटमल के जो अंडे हैं वह गद्दे से हट जाएं, बाहर निकल जाएं, और उसके बाद उसको वैक्यूम कर लेना चाहिए, यानी वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों अपने बिस्तर और आसपास की जगहों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। बिस्तर के आसपास की जगह को साफ करके और उस कचरे को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा गद्दे और बिस्तर को ऐसे बॉक्स में रखें जो अच्छी तरह से बंद हो, या तो खटमल उससे बाहर नहीं निकल सके उस बॉक्स से, ना ही खटमल उस बॉक्स के अंदर जा सके, क्योंकि कुछ समय तक तो खटमल जीवित रह सकता है पर उसके बाद जो है खटमल मर जाएगा। दोस्तों घर में दीवारों पर होने वाली दरारों में खटमल आसानी से छुप जाते हैं, ऐसे में आप इन दरारों को भरकर खटमल को घर से दूर कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी होटल में जाएं या होटल से वापस आएं तो अपने बिस्तर को अच्छी तरह से साफ़ करना है, धूप में सुखाना है, क्योंकि ये बिस्तर जो है इनका कैरियर होता है, यहाँ बिस्तर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दोस्तों बाहर कहीं जाते समय अपने सामान को पैक करने से पहले एक बार अवश्य चेक कर लें, क्योंकि उनको साफ़ सफाई रखें उनकी और फिर उसके बाद उनको पैक करें। तो दोस्तों आज हमने वीडियो में बताया कि खटमल जो है वह किस तरह से होता है, किस तरह से फैलता है, और इसके अलावा हमने बताया कि खटमल के काटने से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बीमारी होती है, और खटमल जो है उसके काटने पर जो होने वाली बीमारी है उनसे हमें निजात कैसे मिल सकती है, हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।